सावधानी से इसके अंदर आना है क्योंकि इसके बाद खाई है। अच्छा हमारे एपिसोड द म्यूजियम ऑफ रियलिटी में आपका स्वागत है और हम आपको आज ले चल रहे हैं एक बहुत ही खास जगह। ये जगह पेंटिंग से जुड़ी हुई है, आप बताएं इसके बारे में। ये लेखनिया है जगह जो जहाँ पे प्री हिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग साइट है और जिसे इसके बारे में अब आगे चल के बताएंगे, वहीं पे तो अच्छा रहेगा। तो हम रॉबर्ट्सगंज से 20 किलोमीटर दूर ये एरिया पड़ता है, वहाँ हम निकल रहे हैं। हम आपको रास्ता भी दिखाते हुए चलेंगे और कितनी कठिनाइयों से हम पहुँचेंगे ये आप इस वीडियो में देखेंगे। जाने लायक है? हाँ, वो बाल फ्रांस की चढ़ाई पड़ी हुई थी ऊपर ऊपर देखो था बड़का। हाँ, तो ये कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है जो अभी बंद है और यहीं से रास्ता है, लेकिन अब हम लोगों को जाना है तो एक दूसरे रास्ते से चलेंगे पहाड़ों के बीच से पार करते हुए। और ये रास्ता थोड़ा सा कठिनाई भरा है, हम आपको अभी दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा है। तो अभी हमने झरना तो पार कर लिया है, अब क्या करना है? अब ये सामने पहाड़ है, छोटे छोटे चट्टान है, रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी पैदल तो जाया जा सकता है, लेकिन बाइक को कैसे निकालेंगे अभी देखना है। गाड़ी चल जाएगी? इधर से ना जाए लायक है? इधर से इधर से चल जाए। अच्छा, डक डकाना हो। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि रास्ता कौन सा, ये वाला कि ये वाला। एक बार देख लेते हैं जाने लायक है कि नहीं। इधर से तो बाइक नहीं जा पाएगी। नहीं, ये कुछ है। इधर से जाया जा सकता है ऊपर से, लेकिन थोड़ा हम लोग इधर रास्ता बना भी सकते हैं, पत्थर वत्थर लगा के हल्का सा। हाँ, जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ तक आए हैं तो।
ये देखते हैं ये कहाँ जा रही है, यही वाली है। ये तो जाएगी, अब आगे पानी है कि नहीं देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ प्लेन है ना, यहाँ पे पानी का मुझे दिक्कत था कि पानी अगर रहेगा तो यहाँ से। हाँ। तो प्लेन दिख रहा है, ये मिल गया रास्ता थोड़ा दूर ना, ये वाला रास्ता ही है। अच्छा अच्छा, हाँ ये लाल वाली वन्य जीव अभ्यारण्य से जो आ रहा है। हाँ हाँ, ये जो किनारे किनारे पेड़ों के किनारे किनारे। ठीक है आइए, ठीक देर नहीं करते हैं। अगला आगे जो है बहुत जानवर भी हैं खतरनाक, भालू वगैरह। अच्छा हाँ चलिए चलते हैं, शायद दिख जाए भालू। अच्छा तो यही रास्ता हमें मिल गया है, जो कि उस गेट जो बंद था वहां से ये आता है रास्ता। ये बहुत ही रिस्की ढाल है, देखना डरावना रास्ता है, डरावना है। और जहाँ मुझे आपको लगे कि मुझे उतर जाना चाहिए बता दीजिएगा। अभी हम लोग ऐसे जोन में आ गए हैं, हाँ, कि अगर बाइक हम लोग की ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी, बहुत बहुत, पैदल भी बहुत चलना पड़ेगा। जंगली जानवर बहुत, ये यहाँ से पानी जा रहा है, देख सकते हैं। कौन से जानवर? ब्लैक बक। ब्लैक बक, और ये जो ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर पर लग रही है, इससे मालूम चल रहा है कि जो जंगल में जो सुख होता है, एक जो हवाओं का, एक जो प्रकृति का हमें जो सुख मिलता है, वो यहाँ पे आकर के ही हमें महसूस हो रहा है। इससे बाहर हम रोड पे चल रहे थे तो उमस हमें लग रही थी। हो जाएगा ऐसे, अरे अभी यहाँ पे देखिए एक और प्रॉब्लम है, रुक जाइए मैं उतर जाता हूँ। ये बताइए कि जब गाड़ी वहाँ पे जा रही है अंदर, तो अंदर कुछ हो रहा है दिल में? जैसे रोड टूटा हुआ है और ये सब है नीचे से चट्टान, क्या पता कि गाड़ी का वेट पाके एक और चट्टान नीचे खिसक जाए। बिल्कुल,
कैमूर वन्य जीव विहार। तो जैसा कि हमें बताया गया था कि इस जंगल में हिरण और भालू भी मिल सकते हैं, तो उसका एक यहाँ पे इन लोगों ने भी लगाया हुआ है साक्ष्य, और दिख भी सकते हैं, इसका मुझे डर भी है सही में प्रतीक, क्योंकि बारिश का समय है, घना हो गया जंगल, तो संभल के चलना पड़ेगा। बाइक पर हैं इसलिए हम लोग को उतना खतरा नहीं है, पैदल रहते तो ज़्यादा दिक्कत। ठीक है, इधर से ले लीजिए। हाँ, ये क्या हो गया, यही रास्ता है? अरे साइड से भी नहीं है, ये तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख रही है ये। ये तो यार, अच्छा ये भी दीवार बड़ी मेहनत से बनी है, बाइक तो जा नहीं पाएगी यार। इधर से कोई चांस नहीं, इधर से कोई चांस नहीं, नहीं। बारिश भी होने लगी, ज्यादा होगी तो दिक्कत हो जाएगी। दीजिए, अब एक समस्या ये है कि रास्ता है बंद, लेकिन जाना है ज़रूरी। क्या किया जाए, क्या किया जाए, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बताइए। हटाना पड़ेगा, जितने रास्ते में काटे हैं सबको हटाना पड़ेगा। ये जो चीज़ है वो कैमरा से कोई देख ही नहीं सकता, आंखों से ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल। ओहो हो, 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 क्या बात है। ये है सोन नदी। हाँ, जो कि एक लकीर की तरह हमें दिख रही है, इतने हम लोग हाइट पर हैं। हाँ। और पूरा धुंध। हाँ। तो ये क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ये बीच में एरिया है ना?
नहीं, ये तो अभी उत्तर प्रदेश में ही है। अच्छा, यही कैमूर का श्रृंखला आगे चल के एमपी में चला गया है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये धरती, ये मतलब कर्व हो, मतलब लाइन सीधी नहीं है ये। ये लाइन आपको हल्की सी टेढ़ी दिख रही है, देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अगर फोटो खींचे तो, मतलब अभी तक हम लोग एक अलग जीवन पे थे। हाँ, अब इसके ठीक कितना नीचे एक दूसरा जीवन चल रहा है। ये अगर सामने देखिए तो ये कैसे ऊपर से नीचे जो ढाल दिख रहा है आपको, ये जो राउंडेडनेस की फील दे रही है, वो दिखेगा नहीं कैमरे में, तो नहीं दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा, बहुत धुंधला है। ओहो, और इसकी ऊंचाई का अंदाजा अभी कैमरा नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। श्री मुकेश तिवारी जी, इनसे परिचय आपका पहले हो चुका है हमारे वीडियो में। तो मुकेश भैया, आप यहाँ पे दूसरी बार आ रहे हैं, मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो यहाँ कुछ तो दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे वो है जो चीज़ हम देखने आए हैं। हम लोग भी पहली बार आए तो खोज रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, कुछ बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड दिख रही हैं लिखी हुई, लेकिन वो प्लेस कहाँ पे है, वो स्पॉट जहाँ पे भित्ति चित्र बनाए गए हैं वो हम लोग खोजे, दो लोग आए थे। तो कैसे आप लोग खोजे, किसी से पूछना पड़ा आखिर में? किसी नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ उस दिन। एक खास बात ये थी कि बगल में एक मेला लगता था और कई यात्री जो आदिवासी भाई बहन इधर से जा रहे थे, अच्छा, बीच में मुझे दिख गए, तो मैं पूछा दो तीन लोगों से, तो उनको भी नहीं मालूम था। अच्छा, बोले हाँ कुछ है ऐसा लेकिन पता नहीं। एक व्यक्ति से पूछा तो वो बोला कि चित्र तो नहीं है लेकिन कुछ लिखल बा। हम ले हाँ वही लिखा हुआ दिखाइए। बोला हाँ वो नेटवर्क है क्या यहाँ पे? वाह, नेटवर्क तो वो हमें ले करके गए दिखाए। मुन्ना नाम था, रिसीव कर ली। ठीक है, तो हम दिखाएंगे अब आपको। हेलो मुकेश भैया, पिछले 5 मिनट से जो आप मेरे सामने ये राज रखे हुए हैं, आप मुझे बता नहीं रहे हैं ये जगह कहाँ पे है, मैं देख भी आया घूम के, ये है कहाँ आखिर में? चलिए दिखाते हैं। ये रास्ता यहाँ से आ रहा है, ये जो मेन रास्ता हम जहाँ से आएंगे, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड। हाँ, इसके बारे में। हाँ, और यहाँ से आने के बाद एक मंडप जैसा बना हुआ है, बारिश वगैरह में यात्री रुक सकें या धूप में। फिर यहीं से राइट हैंड टर्न लेंगे और हम लोग चलेंगे इधर। मैं भी भूल रहा हूँ अभी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सारा चट्टान एक ही जैसा दिख रहा है। अंतर तो हो ही जाता है, मौसम का अंतर, उसके वजह से लाइट का अंतर, घास का अंतर, कहाँ से कौन सा रास्ता था भाई? हाँ इधर। अच्छा अच्छा, हम लोग वहीं से जा सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब पास नहीं है। हो जाएगा? हाँ, मोबाइल पकड़ा है। अब क्या है ये? अरे बाप रे बाप, यहाँ से तो मतलब इसके ऊपर हम लोग खड़े थे यानी? हाँ, इसके ऊपर खड़े थे जस्ट। अच्छा, झुक के चलना पड़ेगा बाबा के दरबार में। यहीं से आगे बढ़ेंगे। हाँ, और बहुत सावधानी से इसके अंदर आना है क्योंकि इसके बाद खाई है। अच्छा, नीचे ये सब पे भरोसा नहीं करना है, जो घास है ये मिट्टियाँ हैं, ये जो ऊपर चट्टान है इस पे भरोसा है? हाँ, ये तो इतने सालों से मजबूती से टिका है, हो सकता है इसके आगे भी राह हो, गिर गया हो। अच्छा अच्छा, कौन जानता तो है? चलिए जल्दी देख लिया जाए। कौन जानता है। ये बात है, चित्रों का शुरू होता है। एक मिनट यार, ये तो इतनी लाइट कम हो गई थी। हाँ ये रहा,
हिरन दिख रही हैं। बकरी, हिरन, ब्लैक बक का ये पूरा हब था, अभी कम हो गए हैं। हाँ, यहाँ से शुरू हो रहा है ये। और ये कितने मीटर के आसपास होगा? अरे मुझे लग रहा है कि 30-40 मीटर तक होगा। हाँ, ओहो, 30-40 मीटर ही फीट मीटर। अच्छा, चलिए देखते हैं आगे। कम भी हो सकता है, मेजरमेंट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं ना। व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन जो फीलिंग अंदर है वो तो यहाँ जो आएगा वही समझ पाएगा। रुकिए 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 रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? नीचे। चलिए तब, धीरे धीरे। यहाँ का चट्टान इतना चिकना है कि बहुत संभल के आना पड़ेगा। अच्छा, स्लीपी है और नीचे खाई है, कुछ भी नहीं है। तो अब कहाँ देखना है हम लोग को? ये पूरा भित्ति चित्र ही है मेरे भाई। इधर कहाँ दिख रहा है? आइए तो। एक मिनट, अब यहाँ पे आपकी पैनी नजर कहाँ कहाँ देख सकती है भित्ति चित्र। बहुत सारी चिप्पियां निकल पड़ी है ना। हाँ हाँ, जैसे देखिए ऊपर देखेंगे। हाँ, ये हल्का सा तो लाइन। हाँ, ये एक मिनट, इसमें लाइट कम हो गया। हाँ, ये रहा। तो ये जो लाइन है, हाँ, ये भित्ति चित्र का ही हिस्सा है। ओ, और ये इसकी खोज जो है 1868 में हुई। हाँ, किसने की थी? एक मिनट, हाँ बताइए किसने की थी। आर्चिबोल्ड कार्लाइल एक पुरातत्वविद थे। हाँ, जो अंग्रेज अधिकारी थे। अच्छा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। हाँ, तो उन्होंने इसकी खोज की। अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, आर्कोलॉजिस्ट थे। अच्छा अच्छा, ये चित्र लगभग 4000 साल पुराने हैं। अच्छा, तो 4000 साल से अगर ये यहाँ पे विद्यमान हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी स्मृतियाँ इसकी धुंधली हो गई हैं, क्योंकि इतने मौसम का जो है प्रभाव झेला है चित्रों ने, 4000 साल कम नहीं है। आइए आगे और देखा जाए। ओके, भाई साहब ये तो दिख रहा है यहाँ फिर से। बहुत सारे अभी तो दिखेगा। ये देखिए हिरन, ये भी बारह सिंघा टाइप दिख रहा है। यहाँ देखिए व्हाइट कलर से, ओ आदमी, ओ हिरन, दुबला पतला कुत्ता टाइप, तीर धनुष लिए हुए आदमी दिखा। ये तीर धनुष लिए आदमी, ये हाँ, ये धनुष। हाँ हाँ, ताना है एकदम। हाँ, कुत्ता कहाँ दिखा रहे हैं? ये वाइट वाला, कोई भी जानवर हो सकता है, कुत्ता है, भेड़ या कुछ भी। यहाँ पे कुछ आकृति है वो मनुष्य की लग रही है। अभी आप वो भी हिरन वहाँ ऊपर, केवल वॉल पे ही नहीं है, सीलिंग पे है। अच्छा, हाँ आप लेटिए तो आपको दिखाते हैं। एक मिनट बताइए, यहाँ पे एक इस आकृति। अच्छा, ये सारे सीलिंग पर जो आपको दिखेंगे ना एसेंस, ये दिख जाएंगे। यहाँ देखिए, देखना पड़ेगा। ये देखिए पूरा चित्रों से भरा हुआ है, हाथी है। हाथी जैसा कुछ जानवर दिख रहा है। यहाँ पे एक आकृति है।
यहाँ पे आकृति है और सबसे बड़ा वृषभ बैल इस साइड से देखिए। एक मिनट लाइट की चक, ये रहा। ओके ठीक, ये लग रहा है खूंटे से बंधा हुआ है कि कोई आदमी भाले से मार रहा है, ऐसा हो सकता है। आकृति उसका चिप्पी उखड़ गया हो, बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे यहाँ पे आने वाले भी बहुत ज्यादा नुकसान इसको पहुंचाए हैं कुछ लोग जो आए हैं। और सरकार द्वारा देखिए वहां वहां तक, वो सब वहां वहां तक दिख रहे हैं, इसमें कैमरे में नहीं दिख पाएगा, कैमरे में नहीं दिखेगा सारा, इसके लिए हाइट पे हम लोग की सब धुंध दिख रहा है। नहीं, ये हाई क्वालिटी का कैमरा लाना पड़ेगा। जूम करें क्या? नहीं दिख पाएगा वहां पे, देखिए हल्का सा, हाँ हल्का सा दिख रहा है वो, ये आराम से जी। और यहाँ पे देखिए क्या एकदम वो अलग कलर है ना, हल्का पूरा भित्ति चित्रों से भरा हुआ है बस। हाँ, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए आपके बगल में इधर, हाँ यहाँ से एक इंटरेस्टिंग थिंग दिखेगी। क्या? ये पूरा आदमियों का डांस करते हुए, अच्छा एक पूरा रैली। तो ये इंसानों के डेली लाइफ को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है ना। यही एक माध्यम ही है कि प्री हिस्टोरिकल जो ह्यूमन था वो उसकी एक्टिविटी क्या थी, वो कैसे रहता था, उसका रहन सहन क्या था। जब लिखित प्रमाण नहीं था तो यही चित्र ही उस समय के दस्तावेज हैं। तीर धनुष, शिकार का दृश्य। ये क्या है? गाय दिख रही है मुझे, गाय प्रतीत हो रही है। और उसका बच्चा है, बछड़ा। और पेट में भी उन लोगों ने जो डिजाइन किया है ये बताता है कि वो कुछ अंधविश्वास से रिलेटेड कुछ किए हैं। अच्छा, या तो उनका विश्वास कुछ रहा होगा। यहाँ तक ये चित्र हैं और इनको देखने का जो अनुभव है, जब मैं पहली बार आया तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गया, क्योंकि इस एरिया में मैं 3-4 साल से हूँ और मैं आना चाहता था लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा था या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आप रास्ता देखिए कि अकेले आने लायक नहीं है। तो उस चक्कर में मैं आ नहीं पाया, लेकिन जब पहली बार हम दो लोग आए थे तो इन चित्रों को देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। जब फाइन आर्ट की शुरुआत हमने किया तो पढ़ा कि हाँ मिर्ज़ापुर में सबसे पहले चित्र पाए गए थे प्रागैतिहासिक, तो वो जो उस समय से पढ़ते पढ़ते और वो जो देखने का मन था वो उस दिन पूरा हुआ। और वाकई में देखने के बाद जैसे लग रहा है कि हाँ ये बातचीत करना चाहते हैं, समय मांग रहे हैं। अब जितना देर तक देखेंगे यहाँ पे, हो सकता है कि हम लोग आए, वीडियो बनाए, सब कुछ है, एक अलग चीज़ है कि दिखाने के लिए, लेकिन अगर आप रहिए दिन भर और इन चित्रों को देखिए, चट्टानों को देखिए, तो चट्टानों के अंदर घुसे हुए जो कलर के एसेंस हैं, जो एहसास है, वो आपको दिखेगा। यानी पूरा ये रंगशाला की तरह एक रहा होगा एक समय। अब 4,000-5,000 साल पुराना है ये, मुझे लग रहा है कि पूरा पाषाण काल कालीन है, और उत्तर पाषाण काल उसके बाद आया, नव पाषाण काल आया, तो नव पाषाण काल में चित्र लगभग कई जगह से पाए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये नव पाषाण के पहले के भी इसमें चित्र हैं, क्योंकि जो कलर है उसमें बहुत ही नेचुरल, जो गेरू होते थे, रामरज और खड़िया जिसमें वाइट मिला हुआ है, ये अभी तक क्यों एग्जिस्ट हैं? क्योंकि जानवरों की चर्बी मिला करके उसमें और उस रासायनिक प्रोसेस से वो लोग किए थे,
हालांकि वो इसके साथ रिएक्शन करके चट्टानों के साथ वो फिक्स हो गई है हमेशा के लिए, वो अंदर तक चली गई है। अगर एक चिप्पी आप देखेंगे यहाँ पे, अगर लेयर छोड़ भी दिया है तो वो अंदर उसके वो लाइन बरकरार है। और ये कई बार मुझे लगता है कि ये चट्टान डैमेज हुआ है। बिल्कुल, और आगे भी रहा होगा, और आगे भी बेशक रहा होगा, अभी जाने के लिए रास्ता नहीं है। और दूर से देखने पे कई बार वो कलर के एहसास होते हैं कि बड़े बड़े चित्र भी होंगे जो इससे पहले के भी हो सकते हैं, पुरापाषाण काल के। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मान्यताएं ऐसी भी होंगी, आखिर क्यों यहीं पे इतना चित्र बना। बिल्कुल, क्योंकि जो नीचे के लोग थे वो इतने हाइट पर आ करके चित्र बनाते हैं, ऊपर तो आदिवासी या जो आबादी है नहीं, तो इतने नीचे से जो चढ़ करके आएगा चित्र बनाने के लिए, तो उसकी कोई ना कोई धार्मिक या आस्था या वैसी विचारधारा या वैसी मानसिकता होगी। केवल वो मनोरंजन के लिए नहीं आया था, उसके पीछे अंधविश्वास, आस्था, भय या कह लें कि आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें उसके पीछे की कहानी है। और मुझे प्रतीत होता है कि इन चट्टानों पे बड़े बड़े जानवरों के चित्र भी बने थे, जो मौसम के साथ, बारिश के साथ, अब जैसे ये क्रेक हुआ है पत्थर, ये हो सकता है कुछ सालों बाद गिर जाए और एक नया तरीके से इस चट्टान अपना रूप ले ले। लेकिन ये थोड़ा सा अंदर खोह में होने के कारण ये अभी तक बचे हुए हैं। अब जैसे ऊपर की तरफ जो है, अब देखेंगे, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये चिप्पी रही होगी ना, ये पूरा, अब यहाँ पे कुछ चित्र था, आप लाइन देखिए, ये हिरण जैसा और ये सब दिख रहा है लाइन, ये धुंधले हुए हैं बारिश के मौसम से वो सबसे। और आप यहाँ पे देखेंगे एकदम ध्यान से, तो ये चिप्पी उखड़ गई है, लेकिन एक लेयर उखड़ने के बाद भी ये लाइन की कंटिन्यूटी टूट नहीं रही है, यानी कि वो अंदर तक उसके जैसे जंग लगता है लोहे में, वैसे पत्थरों के अंदर तक वो कलर अपनी जगह बना लिए हैं हमेशा के लिए। तो इसलिए अगर लेयर बाय लेयर पर चट्टान टूटता है तो एक समय तक वो दिखेगा, लेकिन जब ज़्यादा टूटने लगते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि मौसम का भी असर पड़ता है और लोग भी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं जो आएंगे। बिल्कुल, तो ये सारी मान्यताएं रही होंगी मुझे लगता है। तो ये सब जो कहानी है, जो इसका जुड़ाव है, वो जब अंदर से जब महसूस होगा, जब आप यहाँ आएंगे अपने पूर्वजों की थाती पर, एक तरीके से कहें तो पूरे विश्व में जो मानव सभ्यता शुरू हुई, उस सभ्यता से पहले एक ऐसी सभ्यता आई जिसमें अभिव्यक्ति की सभ्यता है। ये मतलब अभिव्यक्ति का साधन उन्होंने खोजा, भाषा शैली कह सकते हैं उनका, ये जो कम्युनिकेशन का ये भाषा कह सकते हैं, मीडियम कह सकते हैं, माध्यम। बिल्कुल, तो उससे जब आप मिलते हैं तो मतलब मुझे तो एज एन आर्टिस्ट बहुत अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब अलग अलग लोग अपने जीवन में अनुभव अलग अलग करेंगे यहाँ आने के बाद, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो हमने आपको ये पेंटिंग्स दिखा दी हैं। अब इसके हम अगर भाषा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखते हैं कि कैसे भाषा और ये जो ड्राइंग्स हैं, जो पेंटिंग हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती हैं।
और इस घुल मिल जाने के कारण ही ये 4000 सालों के बाद भी हमसे बड़े ही स्ट्रांगली रूप से कम्युनिकेट कर पा रही हैं, भावनात्मक रूप से। जैसे आपने अपना पक्ष बताया, वैसे ही मैंने अपना पक्ष बताया, तो ये किस माध्यम से हो पा रहा है? ये एक इमेजेस के और वो जो भाषा का जो संप्रेषण का माध्यम है उसके वजह से हो पा रहा है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पर काम किया है। हम आपसे चाहेंगे कि हमारे इस थोड़े से प्रयास को आप अप्रिसिएट करें। और अब आगे क्या करना है? आगे अब चलते हैं, चलेंगे और उन कठिनाइयों को फिर से दोबारा सामना करना पड़ेगा जाते समय। मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर, ये जो जितनी भी चित्र हमने देखे हैं, जो कि जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं उस चट्टान के नीचे था, और भाषा के मूल में बसे पिक्टोरियल इमेजेस, जिनसे पिक्टोग्राफ और उसके बाद भाषा का डेवलपमेंट हम देखते हैं, लिपियों का डेवलपमेंट हम देखते हैं, उन सब के मूल में बसे इन इमेजेस, इस नेचर, उस सबको हम विदा करते हुए अब चलते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं नेचर के दृश्य और उस चट्टान को। तो हम लोग फिर से उस जगह पे आ गए जहाँ पे ये ब्लॉक था, तो हम फिर से हटाएंगे, फिर से वैसे ही रख करके यहाँ से चले जाएंगे। और तो एक बार फिर से ये रास्ता ब्लॉक करके हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा वीडियो आज का यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना मज़ेदार और कठिन रास्ते को हम लोग पार करते हुए लखनिया के चित्रों को देखा। अब ये यात्रा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं ये वीडियो की, लेकिन ये चैनल की यात्रा चलती रहेगी, उसके लिए आप जुड़े रहें और सहयोग बनाए रहें। बिल्कुल।